मेरा नाम विद्या नेगी है। मैं हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के मनाली तहसील के एक छोटे से गांव शनार की निवासी हूं और मैं एक ग्रामीण महिला हूं। आज मेरे सर पे हिमाचल के जो ब्यूटी पेजेंट हुआ है उसमें फर्स्ट रनर अप का ताज मेरे सर पे लगा और मैं बहुत खुश हूं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मैम दीपाली फडनवीस का कि उन्होंने भारत में एक नई शुरुआत की गाँव की महिलाओं के लिए। ये मैं सोच रही हूँ, मैंने पहली बार देखा है जो मेरे स्तर की एक बहुत ही ग्रामीण महिला इस लेवल तक पहुँची है और इस स्तर को छुआ है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं दीपाली मैम की वजह से हिमाचल को इस ब्यूटी पेजेंट में नेशनल लेवल पर प्रेजेंट करने जा रही हूँ। दीपाली मैम ने भारत में एक अच्छी शुरुआत की है। मैं एक बहुत ही साधारण सी ग्रामीण महिला हूँ लेकिन समाज में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लगभग 15 सालों से काम करती आ रही हूँ। राइट बेस्ड एक्टिविटी पे लगभग 15 सालों से हिमाचल के बहुत से जिलों में काम किया है और ऐसे इंटीरियर एरिया में काम करती आ रही हूँ। महज 21 साल की उम्र में हमारे यहाँ जब साक्षरता अभियान चला था उसके दौरान एक शुरुआत की थी। सामाजिक गतिविधियों के कारण मेरे पंचायत के लोगों ने ये सोचा कि मुझे पंचायत प्रधान बनना चाहिए और महज 21 साल की उम्र में मैं पंचायत प्रधान बनी। पंचायत प्रधान बनने के बाद मैंने अपने इस क्षेत्र के बहुत से मुद्दों जैसे महिला सशक्तिकरण, हमारे प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े हुए मुद्दे, हमारे हक हकूक की लड़ाई, उन सब मुद्दों को उठाया। और जैसे मेरा पंचायत का कार्यकाल खत्म हुआ तो मैंने 2-3 ऑर्गेनाइजेशनों के साथ मिलकर पूरे हिमाचल में राइट वेस्ट एक्टिविटी पर काम किया। जल जंगल जमीन से जुड़े हुए बहुत से मुद्दों पर काम किया। बहुत सी ऐसी महिलाओं को आर्थिक रूप से इतना सुदृढ़ किया कि जिससे वो अपना परिवार भी चला सकें और उनके पास निर्णय लेने की शक्ति भी आ गई। दिन रात लोगों के लिए काम करती रही क्योंकि मन के अंदर एक जील थी, इच्छा थी कि मुझे कुछ करना है और मन में एक ये भी इच्छा थी कि मुझे इस तरह के जो ब्यूटी पेजेंट है उसमें भी भाग लेना है। मैंने आज तक व्यक्तिगत स्तर पर लगभग 250 या 350 के करीब ऐसे केस हैं जो घरेलू हिंसा से संबंधित है उनको सुलझाया है। रात को भी मुझे बुलाते थे, दिन को भी मुझे बुलाते थे। लोगों को लगता था कि मैं उनके मुद्दों को सुलझा सकती हूँ, उनकी पैरवी की, उनको ये बताया कि उन्हें कहाँ कहाँ मदद लेनी है और उनकी काउंसलिंग भी की, उनको समझाया भी। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे हिमाचल के स्तर पर ये टाइटल मिला और आज मेरी समझ में ये बात आई है कि जो टाइटल मैंने हिमाचल के स्तर पर लिया है और मैं जो पूरे नेशनल के स्तर पर लेने जा रही हूँ और मुझे पूरा भरोसा है तो वो मेरे इस कार्य में जो मैं सामाजिक एक्टिविटी करती हूँ, सामाजिक कार्य करती हूँ, उसमें मेरा बहुत मददगार साबित होगा और लोगों तक मेरी पहुँच और आसान हो जाएगी और लोग मुझ तक आसानी से पहुँच जाएंगे। मेरे पास एक ओहदा होगा, एक टाइटल होगा जिससे काम करने में मुझे और आसानी होगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ दीपाली फडनवीस मैम आपका और साथ में जसप्रीत मैम आपका भी हिमाचल के लिए जो इनिशिएट लिया है और जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज मैं हिमाचल को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ नेशनल स्तर पर। और इसके साथ ही जो भी मिसिज इंडिया की क्रू टीम है, सभी मेंबर्स हैं, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतना कार्य किया है और आगे करने जा रहे हैं। इस ब्यूटी पेजेंट की वजह से हिमाचल के स्तर पर बहुत से और प्रतिभागियों से मिली जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब आने वाले 3-4 जुलाई को हम चेन्नई में जा रहे हैं तो वहाँ भी बहुत से पूरे भारत से आई हुई महिलाओं से मिलूंगी जो इस ब्यूटी पेजेंट की प्रतिभागी हैं, उनसे भी हम मिलेंगे और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत भी करती हूँ। और इसके साथ ही मैं आप सब से एक मदद और एक फेवर चाहती हूँ कि आप सब मेरे आने वाले इस इवेंट के लिए मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं इस इवेंट को जीत पाऊँ और आने वाले अपने समय को और अच्छा कर सकूँ, अपने आप को और ऊंचाई के लेवल तक ले जा सकूँ जिसकी मुझे शायद बहुत एक इच्छा थी। फर्स्ट थैंक यू।